नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल परिवहन विभाग द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई किए जाने से ऑटो चालकों में हड़कंप, विधायक निवास पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। बैतूल सहित पूरे प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग के द्वारा सवारी ऑटो पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, जिसके चलते ऑटो चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ऑटो चालकों का कहना है कि परिवहन विभाग के द्वारा बताए गए डॉक्यूमेंट को पूरा करने में उन्हें लगभग 15,000 से 20,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह इस खर्चे को पूरा कर पाए। इसी के संबंध में शहर के सभी ऑटो चालकों ने कल बैतूल विधायक नीलय डागा के निवास स्थान पर पहुंचकर उनसे मुलाकात करी और ज्ञापन सौंपा। इस हेतु विधायक नीलय डागा उनसे मिले एवं आश्वासन दिया कि ऑटो चालकों की सारी समस्याओं का निराकरण जल्द ही किया जाएगा। बैतूल कारगिल चौक पर हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में शहीद हुए सैन्य अधिकारियों और CDS जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले भारत के CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों को बैतूल जिले में कई जगहों पर कल गुरुवार को श्रद्धांजलि दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैतूल में कारगिल चौक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। बैतूल बोरदई के चोपना गांव में रसोईया के पति ने शिक्षक को दी जान से मारने की धमकी, शिकायत पर मामला हुआ दर्ज। मामला बोरदई थाना क्षेत्र के चोपना गांव का है, जहां पर एक स्व सहायता समूह की रसोईया मीराबाई के पति लालमन ने स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक को जान से मारने की धमकी दे दी। पदस्थ शिक्षक ने पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि उसके साथ लालमन नाम के व्यक्ति ने मारपीट करते हुए गाली गलौज भी की और गलत आरोप में फंसाने की धमकी भी दी थी। बैतूल शाहपुर निवासी युवक की पत्नी जिला मुख्यालय बैतूल से हुई लापता, पीड़ित ने गंज थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। बैतूल जिला मुख्यालय के गंज थाने में शाहपुर निवासी युवक ने अपनी पत्नी के गुम हो जाने की शिकायत कल 9 दिसंबर को दर्ज कराई। पीड़ित युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी पत्नी कल जिला मुख्यालय से लापता हो गई। उसने बताया कि वह शाहपुर का रहने वाला है, लेकिन बैतूल में किराए के मकान में रहकर वो यहाँ पर काम करता है। कल उसकी पत्नी और बच्चे उसके घर में थे, लेकिन अचानक ही कल से उसकी पत्नी लापता हो गई है, जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशान नजर आया। बैतूल जयप्रकाश वार्ड में युवक के साथ कुछ लोगों ने की मारपीट, गंज थाने में पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जयप्रकाश वार्ड का है, जहां पर पंजाब राव बेले नाम के एक युवक के साथ में मोहल्ले के कुछ युवकों ने मारपीट की, जिसके बाद फरियादी ने गंज थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने के बाद मेडिकल के लिए उक्त युवक को जिला अस्पताल में भेजा, जहां उसका मेडिकल हुआ। जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि उसके साथ अंकित, दिव्यांश और राज और उसके कुछ अन्य साथियों ने मिलकर मारपीट की है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। बैतूल आमढाना में अज्ञात कारणों के चलते 55 वर्षीय ग्रामीण ने घर में लगाई फांसी। बैतूल के आमढाना गांव में परसों बुधवार रात को 55 वर्षीय रामलाल ध्रुवे नामक ग्रामीण ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची एवं शव को चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मुलताई मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक श्री सुखदेव पांसे ने संस्कृति मंत्री से ताप्ती महोत्सव के आयोजन की करी मांग। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मुलताई विधायक श्री सुखदेव पांसे ने पवित्र नगरी मुलताई में 3 दिवसीय ताप्ती महोत्सव में
विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाए जाने के संबंध में संस्कृति मंत्री को पत्र लिखा है। विधायक श्री सुखदेव पांसे ने गत 23 नवंबर को संस्कृति मंत्री को लिखे अपने पत्र में उल्लेख किया है कि कोविड-19 के चलते पिछले वर्ष भी ताप्ती महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया था, परंतु इस वर्ष ताप्ती महोत्सव में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। मुलताई मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती की बेहतर व्यवस्था बनाने मुलताई पहुंची चाइल्डलाइन की टीम। पवित्र नगरी मुलताई में लंबे समय से पिता के साथ घूम रही एक मानसिक विक्षिप्त महिला को कल चाइल्डलाइन और पुलिस के सहयोग से जिला अस्पताल बैतूल भिजवाया गया है, जहां उसे मेंटल अस्पताल में रखा जाएगा। कड़ाके की ठंड में नगर की सड़कों पर घूमकर रात में खुले आसमान के नीचे सोने वाले पिता पुत्री के साथ नगर के सभी लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर नगर के सेवाभावी लोगों के द्वारा युवती को उपचार के लिए भिजवाने हेतु प्रयास किए जा रहे थे, जो कि अंततः सफल हो गए। मुलताई नगर में देर शाम तक विभिन्न संगठनों के द्वारा हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए CDS विपिन रावत और उनके साथियों को दी गई श्रद्धांजलि। मुलताई नगर में कल विभिन्न संगठनों के द्वारा शहीद स्तंभ मुलताई बस स्टैंड पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए CDS विपिन रावत और उनके साथियों को श्रद्धांजलि दी गई। मुलताई में श्री राम सेना के द्वारा स्टेशन रोड से लेकर शहीद स्तंभ बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकाला गया एवं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया, सभी ने मौन होकर जुलूस निकाला। भैंसदई चिचोलीढाना ग्राम पंचायत में निर्मल भारत अभियान के तहत 8,32,000 रुपये की लागत से बनाया जा रहा है कचरा घर। भैंसदई के चिचोलीढाना ग्राम पंचायत में निर्मल भारत अभियान के तहत कचरा प्रबंधन के लिए करीब 8,32,000 रुपये की लागत से कचरा घर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अभियान के तहत चिचोलीढाना गाँव में ठोस कचरा एवं तरल अपशिष्ट के निपटान के लिए उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। भीमपुर सलाईढाना के ग्रामीण पीने के पानी को लेकर हो रहे हैं परेशान, अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। भीमपुर ब्लॉक के सलाईढाना ग्राम के ग्रामीण इन दिनों पेयजल के भीषण संकट से गुजर रहे हैं। सलाईढाना के ग्रामीणों ने ताप्ती अर्जुन मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि बारिश के 4 महीने बाद आज के समय में हैंडपंप सूखे पड़े हैं, जहां पानी की व्यवस्था के संबंध में ग्रामीणों को नदी में जाकर और झीरिया खोदकर पानी को छान छान कर उपयोग में लाना पड़ता है। वहीं इस पानी को पीने से गांव के बच्चे और अन्य ग्रामीण भी बीमार हो रहे हैं। घोड़ाडोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ाडोंगरी का WHO एवं जिला 6 अधिकारी ने किया निरीक्षण। घोड़ाडोंगरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कल गुरुवार को दोपहर में तकरीबन 2 बजे WHO की टीम एवं जिला 6 रोग अधिकारी डॉक्टर आनंद मालवी ने निरीक्षण किया। टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बैतूल जिले को WHO के द्वारा प्रदेश में सिल्वर मेडल के लिए नामांकित किया गया है, जिसकी तैयारी के संबंध में जिला 6 अधिकारी ने घोड़ाडोंगरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। शाहपुर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 5 वाहनों पर की गई चालानी कार्रवाई। शाहपुर पुलिस ने कल नगर में गुरुवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे 5 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। शाहपुर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 5 वाहन चालकों पर ₹1,250 का जुर्माना लगाते हुए जुर्माना वसूल किया गया है। आमला वायुसेना के एयर कमांडर और आमला विधायक ने शहीद हुए CDS विपिन रावत सहित 13 दिवंगत आत्माओं को दी श्रद्धांजलि। आमला के वायुसेना के एयर कमांडर श्री अख्तर और विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने आमला के राठौर मोहल्ले में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होते हुए शहीद हुए CDS विपिन रावत सहित 13 दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी है।
आपको बता दें कि 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर के क्रैश हादसे में भारत के सीडीएस विपिन रावत सहित 13 लोग शहीद हो गए। शहीद हुई दिवंगत आत्माओं को अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान व्यापारी संगठन के सभी सदस्य और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आमला बिजली कंपनी ने चेकिंग अभियान में आधा दर्जन गांव में बिजली चोरी के बनाए प्रकरण, सिंचाई की मोटरों को किया जब्त। आमला की बिजली कंपनी ने कल 9 दिसंबर को चेकिंग अभियान के दौरान तकरीबन आधा दर्जन गांव में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर प्रकरण बनाए हैं। वहीं नदी, नहर और कुएं से मोटर निकालकर मोटरों को भी जब्त किया है। जेई ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली कंपनी के द्वारा इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की चोरी रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आठनेर एक समाजसेवी ने विभिन्न समस्याओं के संबंध में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आठनेर नगर के एक समाजसेवी के द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसीलदार को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन में आठनेर के बैतूल रोड स्थित पोस्टमार्टम घर चीर घर को हटाने का सबसे बड़ा मुद्दा बताया गया है। वहीं अवैध शराब को रोकने के संबंध में भी ज्ञापन में जिक्र किया गया है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। नमस्कार।